तो आज जाएंगे 20 किलोमीटर, तो भाई तेल पे ही भाई 200 का जाएंगे। आज लाइसेंस वगैरह कुछ है तो इसीलिए भाई ट्रायल वगैरह है तो इसलिए भाई जाना पड़ेगा वहाँ। भाई बहुत ज़्यादा पैसा कम पड़ रहा है तो इसीलिए भाई इसको बेचना चाहती हूँ, ठीक है। तो गाइस बहरमपुर पहुँच गया और यहाँ पर भी भाई रिएक्शन भी बहुत अच्छा मिलता है भाई, क्या बताओ आपको। पुलिस उन्हें गाड़ी गाड़ी धोई थी देख रहे हो भाई, यहाँ पर टाइल वगैरह सब कुछ होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू एपिसोड। तो इस ब्लॉग का शुरुआत हो रही है बाहर, तो आज जाएंगे थोड़ा सा बहरमपुर तरफ, तो वहाँ पर जाएंगे। आज लाइसेंस वगैरह कुछ है तो बाइक का ट्रायल वगैरह है तो इसलिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर देखते हैं। तो भाई जा रहा हूँ तो भाई मेरा लेजेंडरी बाइक को लेके, तो मेरा फ्रेंड का ट्रायल है, वो जाएंगे ट्रायल देंगे। और मेरा जो इशू है, मैं ऑनलाइन से पेमेंट किया था लेकिन भाई वो पेंडिंग हो चुकी है, तो इसीलिए मेरे को आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। तो आप जो ये जो बाइक है ना भाई, इसमें ट्रायल होगी या नहीं होगी वो भी पूछेंगे। तो भाई सबको स्पीड टेस्ट फेल है लेकिन भाई उसको बोलेंगे जो भाई मैं ट्रायल करना चाहती हूँ, तो आप देंगे या नहीं देंगे वो भी नहीं पता। तो आज देखते हैं, तो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या सीन होता है गाइस। तो गाइस तो यहाँ से चलते हैं, बाइक को धो के नहा के एकदम फ्रेश होके लेके आ चुकी हूँ। तो आज भी देख सकते हो, तो चेन का दे भी देख सकते हो, मैंने देखा था कल के बहुत ज़्यादा भाई गंदा हो चुकी थी, तो इसीलिए भाई आज सब कुछ सही हो चुके। तो भाई बैठ जा, जिसके भाई हर एक से तो वो भी सभी जानते हैं भाई, इसका माइलेज वगैरह, इसका मेंटेनेंस खर्चा वगैरह सब कुछ वगैरह भाई। तो आज जाएंगे 20 किलोमीटर, तो भाई तेल पे ही भाई 200 का। और एमनी नॉर्मल से बाइक लेके जाओ, FZ वगैरह कोई भी वगैरह 180 सीसी का बाइक भी लेके जाओ भाई, 120 तक तेल पिएंगे और ज़्यादा नहीं पिएंगे भाई। तो जितने भी रफ्तार से भागाऊंगी भाई उतना भी तेल पिएंगे, तो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला था उस ब्लॉग पे जो आपको गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ भी दूंगी, तो एक बाइक लेना चाहती हूँ लेकिन भाई मेरा फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन भाई बाइक वगैरह यानी पैसा इन्वेस्ट करने नहीं देती, ठीक है। मेरा फैमिली से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी बाइक लेने के लिए, यानी ये बाइक मुझे लिया था लेकिन भाई मैं खुद के दम पे लिया था भाई। मैं बाइक लेना चाहती हूँ भाई, तो बहुत महंगा है लेकिन भाई सेकेंड हैंड भी मैं परचेस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो दो बाइक मैं रख नहीं सकती भाई, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा पैसा कम पड़ रहा है, तो इसीलिए भाई इसको बेचना चाहती हूँ, ठीक है। तो बेचना मुझे सही नहीं लगता भाई, तो ये मेरे को जो खर्चा मैंने कर दिया ना भाई, जो मैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, इसमें मेहनत से मैंने बनाया है, बहुत पैसा भी खर्च किया है इसमें, ऐसा नहीं है, इसलिए भाई बेचना चाहती हूँ। नहीं इसको बेचना मेरा मन नहीं करता भाई, तो इसमें बेच दूँ या नहीं बेच दूँ ये मुझे समझ नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, तो आज चलते हैं, काम है उसको पूरा करके आते हैं। और कुछ टाइम लगेगा बहरमपुर पहुँचने में, तो बहुत टाइम लग गया, यानी 11:30 बज गया भाई। तो गाइस बहरमपुर पहुँच गया और यहाँ पर भी भाई रिएक्शन भी बहुत अच्छा मिलता है भाई, क्या बताओ आपको। तो ये है कॉलेज घाट, तो भाई आज धूप भी नहीं है लेकिन भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, तो इसीलिए बाहर कौन निकलता है भाई इस धूप में। ये भाई बहरमपुर का जेल, तो इसमें देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है लेकिन भाई क्राइम वगैरह करना पड़ेगा नहीं तो देखने को नहीं मिलेगी भाई। ये भाई स्क्वायर तो देख सकते हो भाई, और कुछ देर में भाई RTO ऑफिस भी पहुँच जाएंगे भाई। पुलिस उन्हें गाड़ी फाड़ी धोई। आहारे भाई हर तरफ भाई पुलिस नाकाबंदी है, तो इसीलिए भाई मैं घूम के जाना पड़ रहा है भाई। तो वहां पर भी पुलिस था लेकिन भाई वहां पर भाई बाइक भाई दौड़ लेगी तो भाई बाइक भाई नहीं मिलेगी मेरा, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। RX लेके आया ना, तो इसीलिए भाई थोड़ा सा मुसीबत भी फेस करना पड़ेगा। तो भाई जहाँ पर जा रहा हूँ भाई वहाँ पर भाई पुलिस ही पुलिस है, तो वहाँ पर सब कुछ स्ट्रिक्ट होती है। मेरे को लगता नहीं भाई जो RX लेके भाई रिव्यू मिलेगा यानी ट्रायल भी मिलेगा, तो मुझे लगता नहीं भाई। तो ये है RTO ऑफिस भाई आ गया, इधर हलो RTO भाई। हाँ मैं जानती हूँ, हार्टियो चेक करो गाइस, तो यहाँ पर हट गए, हट रहा हूँ भाई, मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक। ये देख रहे हो भाई यहाँ पर ट्रायल वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन देख रहे हो, देख पा रहे हो भाई बहुत ज़्यादा भाई ट्रायल वगैरह सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो फिर से जूम करके दिखाती हूँ, तो मैंने पे करने के लिए आया था लेकिन भाई यहाँ पर
पे भी कर दिया और आज ही बोल रहे हैं मेरे को ट्रायल करना होगा, तो आज भी ट्रायल करेंगे और कल बाद लाइसेंस भाई मिल जाएगी मेरा। हमारा हालात बहुत ख़राब है तो, लेकिन भाई आज सब कुछ हो गया, ट्रायल वगैरह वेट करना पड़ेगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बात है। तो फिर तो बहुत हालत ख़राब है, तो अभी बज रहे हैं भाई 3:30 बज रहा है, तो बहुत ही भाई धूप पे खड़ा है। ये RTO ऑफिस का लोकेशन चेक करो तो वहाँ। तो फाइनली गाइस सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, लाइसेंस कुछ टाइम के बाद मिल जाएगी। तो ब्रिज का देखो भाई, ओह भाई मॉर्निंग के टाइम आया था RTO ऑफिस, आज जा रहा हूँ भाई, कोई भी कुछ भी खाया नहीं भाई, अभी तक खाली पेट में है। बाहर जाके फ्रेश होके नहा के धो के तब कुछ खाने को मिलेगी तो बहुत अच्छा फील होगी भाई। तो पहाड़ी पहुँचने में बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, यानी रफ्तार से भागना पड़ेगा, अंधेरा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग पे ये बाइक रहेगी या नहीं रहेगी मुझे मालूम नहीं है गाइस, तो आप कमेंट करो क्या आप बेचूँ या नहीं बेचूँ तो इस बाइक को। तो गाइस फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।